एमआई वर्सेस आरआर टाटा आईपीएल 2024 का मैच नंबर 14 जो कि खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये तगड़ा मुकाबला 1 अप्रैल को 7:30 बजे सामने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शेड्यूल है। तो गाइस इस मैच की सस्पेंस यहां होगी खत्म क्योंकि सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें जो आप अपने मन में एक मिथ बना के बैठे हो, जिस तरह से कि राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में धमाल मचाया है, अगर मैं बात करूं दो मैच खेले हैं, दोनों मैच जीते हैं, तो आपके लिहाज से आपको लग रहा होगा कि राजस्थान रॉयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुंबई इंडियंस ने दो मैच खेले और दोनों मैच हारी है, लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस भारी रहने वाली। क्यों भारी रहने वाली है? क्योंकि गाइस देखो यहाँ होम ग्राउंड होने वाला है और अभी तक इस सीजन का ना पैटर्न चला आ रहा है कि अपने होम ग्राउंड पे आरसीबी को छोड़ के कोई भी टीम मैच हारी नहीं है। तो यहाँ और यहाँ पर आरआर ने भी जितने भी मैच राजस्थान ने दोनों मैच जीते ने दोनों खेला अपने होम ग्राउंड पे। तो अब घर से बाहर निकल के आए हो, अब होगी अब आपके अगला अच्छा टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा कि किसमें कितना है दम और इस मैच में आपकी फैंटेसी में कौन दिलाने वाला है सबसे ज्यादा पॉइंट। तो गाइस वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। यहाँ हम बात करेंगे इस मैच की, ग्रैंड लीग की टीम कैसे क्रिएट करनी है, स्मॉल लीग की टीम कैसे बनेगी। अगर आप यहाँ पर स्मॉल लीग खेलते हो गाइस ना, आज के मैच का आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने कि आपको सीवीसी किसको क्रिएट करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊं ना तो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर जोस द बॉस जोस बटलर, सेकंड ऑप्शन होंगे यशस्वी जायसवाल जो कंटिन्यूअसली फ्लॉप हुए इस मैच में, इनके चलने के चांसेस मैं बता रही हूँ गाइज। यहाँ पर यशस्वी के चलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे हाई, और यहाँ पर रोहित शर्मा से वानखेड़े में उम्मीद है, तो ये भी एक ऑप्शन मुझे लग रहा है, ये भी यहाँ आप हाई इनको भी ले सकते हो कि रोहित भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। यहाँ पर हार्दिक को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि गाइस देखो मैक्सिमम लोग जो होंगे ना वो हार्दिक के साथ कैप्टन वो इस कैप्टन जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बैटिंग बॉलिंग की, कहीं ना कहीं से तो भाई ये पॉइंट दे ही देगा, लेकिन क्या ये रीजन होगा कि या इस मैच में हार्दिक कोई पॉइंट नहीं देने वाले, ये सारी बातें सारी चीजें डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे गाइस। लेकिन आप सबको पता है कि गिव अवे स्पेशल वीडियो है और चैनल में नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर का, जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे फोन में ओपन होगा पेज, आप पर दिखेगा टेलीग्राम, क्लिक कर देना टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर देना। बाकी गाइस आपको देखो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा, तो वहां से जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाना है, मेरे फैमिली का हिस्सा बनना है क्योंकि हर मैच की फाइनल टीम वही आती है गाइस जो लाइनअप के बाद आती है, जो हमारी मेन टीम होती है और 1 लाख से बड़ी फैमिली है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम में मेरे फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। और गाइस देखो आज के वीडियो में ना एक ऐसा ऑफर आपके लिए लेके आई हूँ ना कि आप सुन के मतलब होश खो दोगे, आपको लगेगा कि फैंटेसी की दुनिया में ऐसा ऑफर नहीं मिल सकता, और अगर आप ग्रैंड लीग यूजर हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा ये ऑफर होने वाला है गाइस। देखो यहाँ क्या प्रॉफिट आपको मिलने वाला है ना आप देख सकते हो, लेकिन ये प्रॉफिट पाने के लिए नो लॉस यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट, आपको कोई भी लॉस मेगा कॉन्टेस्ट में नहीं होने वाला है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके आपको माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है और तुरंत आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है क्योंकि गाइस बहुत कम स्पॉट बचे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और स्पेशली इसमें फायदा क्या मिलने वाला है ना, एक नहीं दो नहीं पांच नहीं पूरे 10 टीम तक आप लगा के खेलोगे और आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, आपके पूरे पैसे वापस हो जाने वाले हैं। मतलब आप ज्यादा टीम बनाओ और जीतने का चांस बढ़ाओ, आप ज्यादा टीम बनाओगे तो आपके पास जीतने के चांसेस ज्यादा होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रैंड लीग में यार नंबर ऑफ टीम के ऑप्शन ही इसीलिए दिए होते हैं कि आप नंबर ऑफ टीम क्रिएट करो जिसमें कि आपके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको जिसको आपको लग रहा है ये चलने वाला है ये चलने वाला है, सबको बना लो सीवीसी, सबको लेकर बना लो अपनी प्लेइंग 11। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि 10 टीम के साथ आपको एक भी रुपए लॉस नहीं होने वाला, जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीस होने वाली है वो आपको पूरी पूरी रिटर्न हो जाएगी, तो कोई लॉस नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फ्री में ज्वाइन करना है वो भी 10 टीम के साथ। मतलब आप समझ रहे हो आपके 1 करोड़ के जीतने के चांसेस आपके कितने पास है इस मेगा कॉन्टेस्ट में, और वो भी बिना भी किसी डर के, आप एक बिना डरे टीम बनाओगे, आपके मन में वो डर भी नहीं होगा कि ये 49 वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये बिना डरे आप टीम बनाओ क्योंकि पूरे पैसे वापस होने वाले हैं गाइस। आज के दिन स्पेशली मुंबई और राजस्थान के मैच में मैंने यहाँ ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए बनवाया है, तो आज के दिन ये एक्टिवेट होगा, इसके लिए आपको मेरे लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप जब मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे
तभी आपको ये ऑफर मिलने वाला है। तो फटाफट जाओ, जाके ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो, यहाँ पर रजिस्टर कर लो और ज्वाइन हो जाओ। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप भी अपनी टीम बना लो मेरे साथ। जहां मैं खेल रही हूँ वहीं आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ। इसके अलावा आप सबको पता है कि ये नो लॉस के साथ साथ आपको यहाँ पर पहला प्राइज ही 1 करोड़ मिलने वाला है। सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्राइजेस होंगे और आप कुछ ना कुछ तो लेके ही जाओगे। ये तो मैं हम पक्के से कह सकती हूँ कि आप जितना लगाने वाले हो ना उससे ज्यादा लेके जाओगे। और गाइस आप कंपेयर करके देख सकते हो, अदर ऐप पे भी खेल लो और मेरे कहने से यहाँ खेल लो, आपको एक दिन में चीजें एकदम समझ में आ जाएगी कि आपका फायदा कहाँ ज्यादा होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरे कहने से आप यहाँ पर फ्री में यार एटलीस्ट, यहाँ जब आपके पैसे भी वापस हो जा रहे हैं तो ट्राई तो करना है, तो ट्राई कर लो यार। ट्रस्टेड ऐप है, इस बार का IPL पूरा स्पॉन्सरशिप किया है यहाँ पर माई 11 सर्कल ने, तो फटाफट जाके यहाँ पर डाउनलोड कर लो। एंड दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, तो प्ले रिस्पॉन्सिबली गाइस। बाकी देखो, अगर आप वहां पर मेरा कोड यूज करते हो ना, आपको मेरा कोड यूज करना है BALL20BALL20, तो आपके यहाँ पर कुछ भी आप जो फर्स्ट डिपॉजिट करते हो उस पर आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा, जिससे आप ज्यादा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। और आपको 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलने वाला है, जिसको आप कई सारे कॉन्टेस्ट में यूज भी कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, फट से जाओ डाउनलोड करो। और सब लोग यहाँ पर जितने भी क्रिक बॉल फैमिली के लोग हैं सबके फोन में माई 11 सर्कल होना चाहिए, क्योंकि ये IPL और आगे भी बहुत सारे मैचेस हैं जो हमको यहीं पर खेलने हैं। और मैं आपको इसकी टीम भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपको जीतना कैसे। मैं 10 टीम आपको देने वाली हूँ इस मैच की, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करके देंगे गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे वानखेड़े की वेन्यू कैसी होगी, यहाँ पर मुंबई के जीतने के चांसेस क्या है, दोनों टीमों का कंपैरिजन करने वाले हैं कि राजस्थान रॉयल्स के मुंबई के अगेंस्ट स्टैट्स बहुत जबरदस्त है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि मैं क्यों कह रही हूँ। तो क्या यहाँ फिर से राजस्थान रोल्स जीत जाने वाली है। प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे कि किस प्लेयर के क्या स्टैट्स हैं, यहां पर विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम क्या रहने वाली है, प्लेयर्स बैटल क्या होने वाला है, सारी बातें यहाँ पर, सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड आपको मिलने वाले। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू की, कि वानखेड़े का पिच कैसा रहने वाला। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ना, वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे ना वन ऑफ द फ्लैट पिच है। तो यहाँ पर बैटर्स को बहुत इंजॉय करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी होती है। और यही रीजन है कि मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की इस मैच में हिटमैन वाली पारी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेसर के, वो थोड़ा स्विंग मिलेगा स्टार्टिंग में, तो पेसर भी वहां पर इफेक्टिव साबित होंगे। और इसके साथ साथ स्पिनर्स को भी टर्न मिलती है यहाँ पर। तो इतनी चीजें आप याद रखना कि किस तरह से टीम क्रिएट करना है। बाकी गाइस एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 169 है, सेकेंड इनिंग में 158 है। अगर हाईएस्ट स्कोर आप देखोगे तो RCB ने बनाया यहाँ पर 235 पे 1 विकेट है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर कोलकाता ने बनाया 67 पे, पूरी टीम चलती बनी थी। टोटल 111 मैच खेले गए जिसमें चेस करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते, और यहाँ पर भी जो टीम टॉस जीतेगी वो जरूर चाहेगी इस मैच को चेस करना और यहाँ पर मैच अपने नाम करना। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो स्कोर बनते हैं वो यहाँ पर 170 से 189 वाले स्कोर बनते हैं। और मैं इस मैच को 180 प्लस का मैच देख रही हूँ। आप क्या देख रहे हो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि ये एक हाईएस्ट स्कोरिंग मैच होने वाला है। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइन इतनी गहराई है, इवन यहाँ मुंबई इंडियंस भी इस मैच मुझे लग रहा है अपना 100% देगी। पेसर वर्सेस स्पिन में पेस को ज्यादा मदद है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। आखिरी कुछ मैच देखेंगे जो रिसेंटली वेन्यू पे खेला गया। तो गाइस लास्ट सीजन का देखो 69 TR T20 IPL 2023 21st में को खेला गया था, SRH और MI का मैच था, जहां पर MI ने चेस करते हुए जीता था, ठीक है। यहाँ पर 7 विकेट गिरी थी जिसमें से 6 विकेट निकाला था आपके पेसर ने, सिर्फ 1 विकेट मिली थी आपके स्पिनर को। एक और मैच देखेंगे, मुंबई और गुजरात का ही मैच था, मुंबई ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बाजी मारी थी, विकेटें गिरी थी यहाँ पर 13 जिसमें से 5 विकेट निकाला था पेसर ने और 8 विकेट निकाला था आपके स्पिनर ने। एक और मैच हमारे सामने यहाँ पर मुंबई और RCB का मैच था, जहां पर मुंबई ने चेस करते हुए जीता था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइस देखो 10 विकेटें गिरी है, 10 में से 7 विकेट निकाला आपके पेसर ने, और वहीं बात करें स्पिनर को तो मात्र 3 विकेट मिली है स्पिनर को। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली चीज है, आखिरी जो तीनों मैच इस वेन्यू पे खेले गए, 3 के 3 मैच जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो ये एक रिकॉर्ड जहां पर मुंबई भारी दिख चुकी है, लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगी जहां पर राजस्थान मुंबई को पीछे छोड़ेगी, तो इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो यहाँ मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपन करने आएंगे रोहित शर्मा, उनका साथ देते हुए दिखेंगे ईशान किशन, फर्स्ट राउंड बैटिंग आएंगे नमन धीर, बैक टू बैक दिखेंगे डेविल ब्रेविस,
तिलक वर्मा, टीम डेविड, हार्दिक पांड्या, जराल कुर्जी, यहाँ सैम्स मुलानी, बात करेंगे पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह एंड यहाँ पर मफावा की। तो ये एग्जैक्टली प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की रहेगी गाइस, जहां पर देखो ईशान किशन, रोहित शर्मा ओपन आते हैं। और T20 छोटे फॉर्मेट के खेल में मैं ओपनर को हमेशा आपको बोलती हूँ कि ओपनर को अपनी टीम में जगह दो। और कल जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसने देखा होगा कि मैंने बोला था कि आप ओपनर को अपने टीम में जगह दो, वहां पर पृथ्वी शॉ ने ओपन किया था और अच्छा पॉइंट भी करके दिया था, ठीक है। यही रीजन होता है कि मैं ओपनर पे रिस्क लेने के लिए बोलती हूँ। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप तिलक वर्मा के साथ जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सेफ प्लेयर है, आराम से खेलते हैं, 30-40 रन करके जाएंगे। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे। गेंदबाजी से अगर हम बात करें ना गाइस, देखो बुमराह पहला नाम है जिनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, कुर्जी जो कि हर मैच में विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो ये 5-6 प्लेयर तुम्हारे सेफ हो गए। रिस्की प्लेयर कौन से रहने वाले, रिस्की प्लेयर यहाँ रहने वाले मफाका। मफाका की बात कर लूं गाइस, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बुमराह से बेटर गेंदबाज है, लेकिन लास्ट मैच में ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। इस मैच में उम्मीद रहेगी कि इस खिलाड़ी की तरफ से कम 1-2 विकेट आए टीम में। तो बात करेंगे सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है, कौन किस पे भारी है, और राजस्थान के अगेंस्ट कौन सा प्लेयर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की तरफ से देता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, अगर हम देखें तो देखो गाइस 157, 143, 43 आखिरी मैच 26 रन बनाए। यहाँ पर आरआर के अगेंस्ट अगर देखोगे तो 28 मैच खेला है, 618 रन बनाए, और वेन्यू पे 71 मैच खेला है, 2000 से ऊपर रन मार चुके, एक्सपीरियंस जबरदस्त। इसके बाद ईशान किशन की बात करें तो 58, 52 आखिरी 3 मैच में कुछ खास नहीं, लेकिन लास्ट मैच में 30+ की पारी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि T20 फॉर्मेट में 30+ अगर किसी प्लेयर ने किया तो अपना काम कर दिया। राजस्थान के अगेंस्ट 9 मैच में 270 रन है, वेन्यू पे 21 मैच में 471 रन मारा है। आगे बात करें तिलक वर्मा की, 68, 101, 108, 25 लास्ट मैच 64 मारा है। राजस्थान के अगेंस्ट 3 मैच में 125 रन है, 62 का एवरेज है, वेन्यू पे 8 मैच खेला और टोटल 185 रन बनाए, बहुत ही जबरदस्त स्टैट्स। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर गए, यहाँ पर नमन धीर को साथ मैं नहीं जाने वाली हूँ, आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई थी, मैं यहाँ ऐसा रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। हार्दिक पांड्या 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट लास्ट मैच 24 रन, 1 विकेट। राजस्थान के अगेंस्ट 12 मैच खेला है, 414 रन बनाए, 11 विकेट लिए, वेन्यू पे 33 मैच खेला है, 570 रन बने और 23 विकेट निकाली है। टीम डेविड जो कि यहाँ लास्ट मैच में 42 रन मारे थे, और इस मैच में भी अगर बैटिंग आती है तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं यहाँ पर। राजस्थान के अगेंस्ट 3 मैच में 66 रन है, वेन्यू पे 9 मैच में 226 रन, जीएल में ट्राई किया जा सकता है, स्मॉल लीग में जगह नहीं बनेगी क्योंकि बैटिंग भी बहुत नीचे आएगी, अगर ऊपर से आपके ओपनर तोड़ेंगे तो गेंदे मिलेगी कम वहां पर, तो ये एक रीजन होगा जिस वजह से यहाँ पर ड्रॉप किया जा सकता है। डेविड ब्रेविस की अगर हम बात करें गाइस, इनकी परफॉर्मेंस आप देखो, एवरेज कंसिस्टेंसी से हर मैच में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन राजस्थान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे 2 मैच खेला है और 40 रन बने। कुर्जी की बात करेंगे, 3 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, हर मैच में विकेट मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम में क्यों रखा जाए, क्योंकि हर मैच में विकेट लेके जाएंगे, एक भी विकेट लेके गए तो और टीम में अपना काम कर देंगे। लेकिन राजस्थान के अगेंस्ट देखो मैच नहीं खेला है, वानखेड़े पे भी मैच नहीं खेला है, पीयूष चावला 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। राजस्थान के अगेंस्ट 20 मैच में 23 विकेट लिए और वेन्यू पे 14 मैच खेला है, टोटल 12 विकेट निकाली है। बुमराह की बात करेंगे, बूम बूम बुमराह, जिनको की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, लेकिन गाइस देखो आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले अगर आप देखो तो भर भर के विकेट निकाल रहे थे, 2 विकेट, 3 विकेट। राजस्थान के अगेंस्ट 12 मैच में 17 विकेट है, स्टैट्स अच्छा है, वेन्यू पे 36 मैच में 39 विकेट निकाल चुके हैं। सैम्स मुलानी की बात करेंगे, 60 रन, 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, लास्ट 2 मैच से कोई पॉइंट नहीं दिया है, राजस्थान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी मैच नहीं खेला है। मफाका की बात करें तो 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच विकेट नहीं मिली है, बहुत तोड़ाई भी हुई थी, राजस्थान के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे भी पहला मैच है, और वैसे भी ये नया खिलाड़ी आईपीएल का तो कहां से मैच खेलेंगे। बाकी आप बेंच प्लेयर के स्टैट्स के स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपके पास सारे स्टैट्स होने चाहिए गाइस। यहां पर हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर में रोमेरियो शेफर्ड या कोई और प्लेयर आपको खेलते हुए दिख सकता है, तो सबके बारे में आपको जानना चाहिए। मुंबई की बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो पावर प्ले में बॉल डालेंगे मफाका, जराल कुर्जी, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे पीयूष चावला, सैम्स मुलानी बॉल डालेंगे, हार्दिक पांड्या गेंद करेंगे और कुर्जी की गेंद आएगी, डेथ में गेंद करेंगे मफाका, बुमराह एंड कुर्जी। और यही वजह है बुमराह और कुर्जी की कि इनको अपनी टीम में क्यों नहीं ड्रॉप करना है, क्योंकि पावर प्ले डेथ दोनों जगह बॉल डालेंगे जहां पर विकेट मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये रीजन है आपको मुंबई की तरफ से ये 2 गेंदबाज ड्रॉप नहीं करने, बाकी हार्दिक भी बेस्ट ऑप्शन रहते हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हैं। अब बात करेंगे
हमारे पिंकिश खिलाड़ियों के राजस्थान रॉयल्स की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर देखो इस सीजन में ना कुछ धमाका किया और इनकी प्लेइंग 11 अभी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जिस तरह से रियान पराग, जिस तरह से इनके प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद भी अगर नीचे से कोई प्लेयर आके 80 प्लस रन कर करके चला जा रहा है और टोटल आप 180 की टारगेट दे रहे हो, तो वहां पर आपने मैच ही नहीं इस सीजन में अपना नाम कमाया और आप फाइनल में टॉप फोर में मुझे दिख रहे हो। तो यहाँ पर ओपन करने आएंगे जोस बटलर, उनका साथ देते हुए दिखेंगे यशस्वी जायसवाल, फर्स्ट राउंड बैटिंग आएंगे संजू सैमसन, बैक टू बैक दिखेंगे रियान पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरे, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान, यूजी चहल एंड आंद्रे बर्गर। तो ये होगी इनकी प्लेइंग 11, जिसमें गाइस देखो ये जो टॉप थ्री है ना, इनको ड्रॉप कोई कर नहीं पाएगा। हालांकि मुझे पता है कि इस टॉप थ्री में से एक की विकेट बहुत जल्दी जाने वाली है, लेकिन वो कौन होने वाला है ये मुश्किल है बताना। तो यहाँ पर देखो आप चाहो तो पटलर पे रिस्क ले सकते हो, पटलर को ड्रॉप करने की बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, रिस्क के साथ खेलने को तैयार हो, तो पटलर को इस मैच में ड्रॉप कर देना। बाकी मुझे लग रहा है यशस्वी की यहाँ पर परफॉर्मेंस वानखेड़े में अच्छी आएगी, परफॉर्मेंस वेन्यू पे यहाँ एक्सपीरियंस है यशस्वी को। संजू भी छोटे ग्राउंड यहाँ पर बात अच्छी खेलते हैं फ्लैट पिच पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ देखो रविचंद्र अश्विन, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, और लास्ट मैच में देखो बैटिंग भी अच्छी करी थी, काफी तेजी से रन बनाए थे, अच्छे टच में नजर आए थे, गेंदबाजी से पॉइंट देंगे। ट्रेंट बोल्ट यहां पर अपनी फास्ट बॉलिंग दिखाएंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, एक दो विकेट कंफर्म लेके जाएंगे। इसके अलावा यहां पर देखो गाइस आप यहां पर चाहे तो यूजी चहल या फिर संदीप शर्मा में से किसी एक के साथ जा सकते हो। मुझे लग रहा है यूजी चहल ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, इस मैच में अपने चलाकी दिखाते हुए विकेट निकालेंगे। तो ये कुछ 5-6 खिलाड़ी रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स से कंफर्म प्लेयर जो मेरी टीम में रहेंगे गाइस। लेकिन बात करेंगे आगे सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले की स्टैट्स की और सारी परफॉर्मेंस, वानखेड़े पे क्या परफॉर्मेंस है, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पे टीम बनेगी, क्योंकि आपको पता है तुक्के पे टीम नहीं बनने वाली है। बटलर की अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो 64-38, 10-11, 11 आखिरी 3 मैच से खिलाड़ी फ्लॉप है, क्या इस मैच में बड़ी पारी खेलेगा? मुझे लग रहा है देखो अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, या तो ये विकेट इनकी जल्दी जाएगी, नहीं तो ये खिलाड़ी फिर इस मैच में 50 प्लस पॉइंट करके देगा। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 9 मैच में 504 रन, 63 का एवरेज है, वेन्यू पे 22 मैच खेला है, 604 रन बनाया, 30 के एवरेज है। यशस्वी जायसवाल 224-110-57, 24-5, वो यशस्वी नजर नहीं आ रहे, इनका यश थोड़ा कम दिख रहा है इस आईपीएल में, लेकिन इस मैच में वापसी होगी और यशस्वी इस मैच में धमाकेदार पारी खेलेंगे। मुंबई के अगेंस्ट 5 मैच में 170 रन है, वेन्यू पे 4 मैच में 258 रन है, आप एवरेज देख सकते हो वेन्यू का, मैंने पहले ही बताया था। संजू सैमसन 53-81-82 लास्ट मैच 15 रन, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 23 मैच में 665 रन मारा है, वेन्यू पे 15 मैच खेले और 510 रन मार चुके। आगे अगर हम बात करें ध्रुव जुरेल की, जिनकी बैटिंग की बहुत थोड़ी नीचे आएगी गाइस और इनके चलने के चांसेस भी कम यहाँ रहने वाले हैं। हालांकि आप स्टैट देख सकते हो मुंबई के अगेंस्ट स्टैट्स अच्छी नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं है। हेटमायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7-8-5-14, इसी वजह से इनके साथ भी शायद मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। ग्राइंडिंग में आप ट्राई कर सकते हो, परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, लेकिन वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छी है, 5 मैच में 167 रन है। रियान पराग 128-87-043, दोनों मैच में देखो रियान पराग ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दोनों मैच राजस्थान ने जीता है, नीचे से बैटिंग करके रियान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 4 मैच में 59 रन, वेन्यू पे 7 मैच में 82 रन, लेकिन ये स्टैट्स आप भूल जाओगे इस स्टैट्स के आगे। अगर आगे हम बात करें यहाँ पर से संदीप शर्मा की, अगर हम परफॉर्मेंस देखे गए तो रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच विकेट नहीं मिली है। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 15 मैच में 19 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 11 विकेट। रविचंद्र अश्विन की बात करेंगे, 2 विकेट, 6 विकेट, 9 विकेट, 1 विकेट, लास्ट मैच 29 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली थी। मुंबई के अगेंस्ट 34 मैच खेला 28 विकेट, वेन्यू पे 19 मैच खेला 15 विकेट। ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, आखिरी 5 में से कंसिस्टेंसी नहीं है, हर मैच में विकेट नहीं मिल रही है। मुंबई के अगेंस्ट भी स्टैट्स एवरेज है, 10 मैच में 10 विकेट, वेन्यू पे भी 9 मैच में 9 विकेट निकाली है। आगे अगर हम परफॉर्मेंस देखें यहाँ पर आवेश खान की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 3 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, मुंबई के अगेंस्ट स्टैट जबरदस्त, 3 मैच में 8 विकेट निकाली है आवेश खान ने, और वेन्यू पे भी परफॉर्मेंस जबरदस्त, 5 मैच खेला है, 9 विकेट निकाली है। यूजी चहल की बात करेंगे, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, कंसिस्टेंसी यूजी चहल की गेंदबाजी में दिखती हुई। मुंबई के अगेंस्ट स्टैट भी अच्छी कहानी कहते हुए, 18 मैच में 25 विकेट और वेन्यू पे 12 मैच में 16 विकेट। इकोनॉमी तो हालांकि कुछ खास नहीं है। नांद्रे बर्गर की बात करेंगे, 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, विकेट इनको भी मिल रही है, लेकिन ये खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बॉल नहीं डाली है और वेन्यू पे भी मैच नहीं खेला। अगर बात करेंगे राजस्थान के बेंच प्लेयर या कोई भी इंपैक्ट प्लेयर में कोई भी प्लेयर खेलता हो आपको दिख सकता है, तो सारे स्क्रीनशॉट ले
लो। बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग ऑर्डर। पावर प्ले में बॉल डालेंगे ट्रेंट बोल्ट, नैंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा एंड आवेश खान। मिडिल ओवर में बॉल डालने वाले संदीप शर्मा, यूजी चहल, आवेश खान एंड रविचंद्र अश्विन। डेथ में बॉल डालेंगे ट्रेंट बोल्ट, नैंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा एंड आवेश खान। तो जो बॉलिंग ऑर्डर रहेगी राजस्थान की वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है। बाकी का देखो यहाँ पर अब बात करने वाले प्लेयर्स बैटन की, कौन किसको फंसाने वाला है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बात करने वाले हैं रोहित शर्मा को। ट्रेंट बोल्ट ने 34 गेंदों में 3 बार चलते बना किया, आवेश ने 13 में 2 बार। अश्विन के खिलाफ स्टैट्स में बहुत बुरा नहीं मानूंगी, 120 गेंदों में 3 बार खेलने दिया है। संदीप शर्मा ने खेलने नहीं दिया, 44 गेंदों में 5 बार। अगेन तिलक वर्मा को यहाँ पर आर अश्विन ने 18 गेंदों में 1 बार। ईशान किशन को संदीप ने 20-30 गेंदों में 2 बार। ट्रेंट बोल्ट ने 30 में 2 बार। यूजी चहल ने 32 गेंदों में 3 बार। अश्विन के सामने स्टैट्स अच्छे हैं। हार्दिक पांड्या को आवेश ने 26 गेंदों में 2 बार। ट्रेंट बोल्ट 23 में 1 बार। संदीप ने 11 में। यूजी चहल ने 62 में 3 बार। अगर आप स्टैट देखोगे ना तो यहाँ पर आवेश खान के स्टैट बहुत अच्छे नजर आते हुए, आर अश्विन के स्टैट, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेंट बोल्ट के स्टैट, ये 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो इस मैच में राजस्थान के खेमे से काफी ज्यादा गेंदबाजी से आपको पॉइंट दे सकते हैं और इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, टीम हारे जीते देखो परफॉर्मेंस तो प्लेयर्स करके ही देगा, आपके फैंटेसी में पॉइंट तो दिला के जाएगा। तो यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि हमें कौन कौन से प्लेयर्स के आगे, अगर आप बटलर को यहाँ पर सी बनाते हो तो इसका मतलब साफ रहने वाला है कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आप देखो 29 गेंदों में 2 बार, मतलब कि पांड्या को विकेट मिलने के चांसेस वहां कम रहेंगे। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन उनके साथ वो ऑप्शन नहीं बनाना है। बुमराह को देखो 58 गेंदों में 2 बार चलते बना किया है। यहाँ पर पीयूष चावला ने 24 में 1 बार और कुर्जी ने तो 3री गेंद में कर दिया था आउट। इसके अलावा यशस्वी को हार्दिक पांड्या ने 7वीं गेंद पे रन नहीं बनने दिया, बुमराह ने भी नहीं खेलने दिया है। यशस्वी के ऊपर तो पूरा यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा संजू की बात करें तो बुमराह ने 48 में 2 बार, पीयूष चावला ने 40 में 2 बार, पांड्या ने 34 में 2 बार। अगेन हेटमायर को पांड्या ने 16 गेंद में 1 बार, बुमराह ने 14 गेंद में 3 बार। बुमराह, हार्दिक पांड्या का नाम, कुर्जी का नाम हर जगह दिखता हुआ, तो ये दो तीन प्लेयर रहने वाले हैं जो इस मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दिलाने वाले हैं। तो गाइस देखो यहां से अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीमों ने 28 मैच आमने सामने खेला है, जिसमें से मुंबई ने 15 मैच जीते हैं। तो अगर आप यहाँ स्टैट देखोगे ना तो आरआर के आगे मुंबई का स्टैट ज्यादा भारी है। लास्ट मैच भी देखो, लास्ट सीजन मुंबई इंडियंस ने ही जीता था यहाँ पर, वहां पर देखो, जबकि यशस्वी ने 124 मारा था, बाप रे भाई साहब 124 रन मारा था। इसके अलावा संदीप ने 1 विकेट ली थी, बोल्ट ने 1 विकेट ली थी, अश्विन ने 2 विकेट ली थी, सूर्य कुमार यादव ने 55 मारा था जो अभी अवेलेबल नहीं है और यही मुंबई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सूर्य कुमार यादव की इंजरी और उनका प्रॉपर ना अच्छा होना और मैच ना खेलना। ईशान किशन 28, टीम डेविड 45, टीम डेविड की इंपॉर्टेंस यहाँ दिखती हुई। इसके अलावा तिलक वर्मा और पीयूष चावला को 2 विकेट मिली थी। इससे पहले वाले मैच की तरफ चलेंगे गाइस, जिसको और इस मैच को भी 2022 से मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। यहाँ पर बटलर ने 67 मारे थे, अश्विन चहल बोल्ट को विकेट मिली थी, सूर्य कुमार यादव ने यहाँ भी 50 मारा था। यार सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस कितना मिस करने वाली है आप देख सकते हो। तिलक वर्मा ने यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, वहां भी एवरेज दिए। ईशान किशन की एवरेज परफॉर्मेंस है, डेविड की एवरेज परफॉर्मेंस है, कुमार कार्तिक को कोई विकेट मिलती है। तो गाइस कुछ प्लेयर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो जो आमने सामने, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे विनिंग प्रोबेबिलिटी की। एंड माय प्रेडिक्शन इज फॉर यहाँ पर मुंबई इंडियंस टू विन दिस मैच। मुझे लग रहा है वानखेड़े का मैदान है और रोहित की जीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। रोहित इस मैच में लगाएगा अर्धशतक और मैच ले जाएगा अपने पास। यहाँ पर गाइस देखो, कप्तान तो रोहित नहीं है लेकिन हम सबके कप्तान तो रोहित ही हैं। रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो राजस्थान आखिरी 5 में से 3 मैच, सॉरी 4 मैच जीता है यार, 4 मैच जीता है। वहीं मुंबई इंडियंस ने आखिरी 5 में से 2 मैच जीता है। अगर आप पलड़े की बात करोगे तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा सीधे सीधे डबल का भारी है, लेकिन मेरी सोच कहती है मुंबई इंडियंस अपने होम ग्राउंड पे ये मैच ले जाएगी। बाकी गाइस देखो अब चलेंगे अपने वीडियो का सबसे मेन पॉइंट जो है हमारी फैंटेसी टीम जो लगातार धमाल मचा रही है। कल के मैच में आप देखो अजिंक्य रहाणे को हमने प्रोवाइड किया, कोई नहीं लेके आया था। तो ये प्लस फैक्टर होता है जो मैं आपको ग्रैंड लीग के टीम बताती हूँ ना, ग्रैंड लीग के ट्रंप प्लेयर बताती हूँ ना, ध्यान से देखा करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर विकेट कीपर में ईशान किशन, संजू सैमसन, जोस बटलर, बैटिंग सेक्शन में तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बुमराह, कुर्जी एंड ट्रेंट बोल्ट। कैप्टेंसी के लिए रोहित शर्मा मुझे लग रहा है बेस्ट रहेंगे, वीसी के लिए आप बटलर के साथ जा सकते हो, अदर ऑप्शन में अगर आपको जाना है आप बुमराह के साथ जा सकते हो।
और यहाँ पर मुझे लग रहा है आप ईशान किशन या फिर यशस्वी में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टीम के साथ जाओगे इस मैच में, जीत की यहाँ जीत के वापस आओगे। कई 60-70% तक के कॉन्टेस्ट इस मैच में कंफर्म विनिंग होने वाली है, ये मुझे कंफर्म पता रहने वाला है। बाकी आप देख लेना इस टीम के पीछे का लॉजिक, आपको लगा के देखना है, आपको ये टीम बनानी है और यहाँ पर लिख के ले सकते हो इस मैच में जीतने वाले हो। यार इतना ही बोलूंगी, बाकी यार देखो ये बात हुई है स्मॉली की, ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है, बुमराह को ट्राई करना है, तिलक वर्मा, संजू सैमसंग एंड ईशान किशन, तीन नाम मैंने मुंबई इंडियंस के दिए क्योंकि मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतेगी। बाकी गाइस एक नाम संजू सैमसंग जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम के कप्तान है, कप्तानी यहां पर संभालेंगे इस मैच में भी, बाकी टीम कुछ भी परफॉर्म करे संजू अपना काम करके जाएंगे। तो इन चार प्लेयर को सीवीसी जरूर ट्राई करना है, रोटेशन करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो आपके जीतने के चांस वहां पर ज्यादा हो जाएंगे और ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप सेफ प्लेयर, आप हार्दिक पांड्या, आप रोहित को कैप्टन बना के अगर सोचते हो कि ग्रैंड लीग जीतने वाले हो तो गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, ऐसी गलती मत करना। लाखों लोगों की टीम को बीट करना है तो एक अलग सोच, एक अलग विचार के साथ आपको टीम क्रिएट करनी होगी। बाकी आपको अगर कोई भी पैसे आपके नहीं लगाने हैं तो माय 11 सर्कल तुरंत डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर आपको ना 100% आपके पैसे हो जाएंगे वापस, जो भी आप लगाने वाले हो, वो भी एक दो टीम नहीं पूरे 10 टीम के जीतने के चांसेस, सोचो कितने ज्यादा है। मैं हमेशा कहती हूँ नंबर ऑफ टीम बढ़ाओ, नंबर ऑफ टीम ज्यादा बनाओ जिससे जीतने के चांसेस ज्यादा हो, और वो 11 सर्कल ने हमारी बात लग रहा है सुन दिया है और मैंने स्पेशली बोल के कॉन्टेस्ट आपके लिए सिर्फ बनवाया है। यार आज का मौका है, फायदा उठा लो, ज्वाइन कर लो 10 टीम के साथ और अपने पैसे वापस ले जाओ, एक्स्ट्रा पैसे जीत के भी ले जाना, ठीक है। बाकी आपको पता है मेरा कोड यूज करोगे तो 20% एक्स्ट्रा कैश और 1500 बोनस, 1 करोड़ का पहला प्राइज जो आप ले जाओगे अपने घर, ये सब कुछ मिलेगा गाइस। लेकिन हमारी फाइनल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में, तो फटाफट जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है गाइस, ताकि आपको सारी अपडेट मैच की मिल सके और आपको मॉडिफाइड टीम भी मिल सके जो लाइनअप के आती है, जब पता चलता है कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या है, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग बॉलिंग कौन करने वाला है, ये चीजों के बाद जो फाइनल टीम आएगी वो आएगी टेलीग्राम। और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, और सेकंड क्वेश्चन मोस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन बनेगा, सबसे ज्यादा विकेट कौन निकाल के देने वाला है। दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ हैशटैग भी लगा देना MI वर्सेस RR, यहाँ पर मुंबई वर्सेज राजस्थान आपको हैशटैग लगा देना है, मुंबई इंडियंस वर्सेज राजस्थान। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के पूरे प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।